नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ओरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और आप तो जानते हैं, जो भी हम गाइडेंस लेते हैं उसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा है आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते हैं तो उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 8। 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2023। आज की तारीख नंबर 9, जिसके स्वामी है मंगल। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। और इसके लिए हम माँ भगवती के कार्ड से हम आज रीडिंग लेने वाले हैं। मूलांक 9, जो कि अपने आप में, ऐसे कहा जाता है कि नंबर 9 जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर होता है। और हमारे पूरे ब्रह्मांड में नंबर 9, जैसे कि नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 9 है, इन सब का एक विशेष महत्व होता है, ऐसा माना गया है निकोल टेस्ला के अनुसार, जो कि महान वैज्ञानिक रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हें वैज्ञानिक नहीं कहूंगी बल्कि कहूंगी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, नॉट जस्ट साइंटिस्ट। तो उन्होंने 369 थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है नंबर 9। और कहीं ना कहीं जब आप रात को सोते समय जब आप निरंतर किसी विषय का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं या एफर्मेशंस करते हैं, एफर्मेशन तो आपको पता ही है कि नए जमाने के मंत्र, तो कहीं ना कहीं अगर आप एफर्मेशन करते हैं कंटिन्यू रात को सोते वक्त, ठीक है, तो मिनिमम 9 बार तो आप करें ही करें। तो जब आप ऐसा करते हैं, क्योंकि 9 टाइम्स की पावर होती है, 9 टाइम्स के अंदर क्योंकि मंगल का अंक है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। तो ऐसे में जब 9 टाइम्स आप किसी चीज को कंटिन्यू रिपीट करके और आप सो जाते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो चीज आपकी जिंदगी में आप आकर्षित कर रहे होते हैं। तो इतना ज्यादा पावरफुल नंबर है नंबर 9। और ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने अभी आपको आधी बताई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर 9 की बताई है। मेरे आगे के एपिसोड्स में मैं आपको इसके बारे में पूरी चीजें बताऊंगी। आप तो जानते हैं क्योंकि कार्यक्रम का जो समय होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। तो आइए आज बिना देर किए हम जानते हैं माँ भगवती से कि आज मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइड किया जा रहा है। देखिए, आज की जो तारीख का जो जोड़ है, जो नंबर है, वो है नंबर 9। और देवी का जो अंक होता है वो कहीं ना कहीं नंबर 9 से कनेक्टेड भी होता है, क्योंकि नव दुर्गाओं की हम बात करते हैं। तो देवी हमें आज क्या गाइड कर रही है मूलांक 1 के लिए 9 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, यमान्या का कार्ड है, और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपका बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे अवसर आज आपको प्राप्त होंगे, वेदर इट्स इन योर जॉब और वेदर इट्स इन योर रिलेशनशिप, जहां पर कि आपने परिकल्पना भी नहीं की थी। कई दिनों से जिस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, जिन चीजों को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे, अब वो समय आपकी जिंदगी में आ गया है। तो कुल मिला के आज के दिन की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इसे चेरिश करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फ्रिया का कार्ड है, यानी कि आपको कहा जा रहा है बोल्ड होने के लिए। बहुत ज्यादा आपको आज दबना नहीं है, किसी से बहुत ज्यादा आपको आज सुनना नहीं है। समय और परिस्थिति दोनों ही आपके जिंदगी में बदल रही है, पॉजिटिव मोड पे आ रही है। ऐसे में बिल्कुल भी पुराने ढर्रे पे आपको नहीं चलना है, बल्कि आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई विचार आपका बिल्कुल सही है, कोई प्लानिंग, कोई प्रोजेक्ट आप बिल्कुल सही अगर सोच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल निर्भीक हो के बिना डरे आपको उस चीज का साथ देने के लिए बोल्डनेस के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी क्लियर कम्युनिकेशन आपकी ग्रोथ में आज आपको फायदा दिलाने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ब्लॉसमिंग का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है रिसेंटली आपने या तो किसी नए कार्य की आपने शुरुआत की है, या कुल मिला के आप कनेक्ट हुए हैं किसी नए वर्क से, तो कुछ नया आप कर रहे हैं, चाहे आप कोई नई लर्निंग कर रहे हो या किसी नए रिलेशनशिप में आए हो, कुछ आपने नया काम या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो
धैर्य रखने का है, क्योंकि जो भी कुछ आप सीख रहे हैं या जो भी कुछ आपने नया स्टार्ट किया है उसमें ग्रोथ आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है, लेकिन सफलता सुनिश्चित ही मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो समय है वो ब्लॉसमिंग का है, अभी जो समय है वो ग्रोथ का है। कहते हैं ना कि जब किसी बीज को हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो वो अंदर ही अंदर ग्रोथ कर रहा होता है, अंकुरित हो रहा होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सतह से ऊपर आता है। तो वही टाइम है आपका, धैर्य से काम लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं माँ भगवती मूलांक 4 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 9 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आज के दिन माँ भगवती की कृपा आपको मिली हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज कोई स्त्री, एक ऐसी महिला जो कि आध्यात्मिक रूप से काफ़ी उन्नत है, आज आपकी सहायता कर सकती है, आपको ग्रोथ दे सकती है। और ये भी क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को, आज कहीं ना कहीं आप अपने थॉट प्रोसेस को, आज आप अपने लोगों को, आसपास के लोगों को इंस्पायर करने के लिए कोई ना कोई कार्य आप आज अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। 9 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, आयन का कार्ड है, यानी कि लीप ऑफ फेथ। आपको कहा जा रहा है भरोसा रखिए। आज का जो दिन है वो रिस्क टेकिंग है। अगर आप कोई नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं आप जो है फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो समय है आपका वो ठीक है और आपको बस भरोसा रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम कोई नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम भयभीत होते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज आपको परमात्मा क्या कह रहे हैं, माँ भगवती कह रही हैं आप बिल्कुल कर पाएंगे, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, बस सही समय का इंतजार कीजिए इसे क्रियान्वित करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, पास्ट लाइफ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है या तो इस बर्थ में कोई भी ऐसा किया हुआ कार्य या फिर पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन आज आपके समक्ष आने वाला है। कुल मिला के मैं कहूं तो कार्मिक साइकिल आज आपकी कंप्लीट हो रही है, फिर वो चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनल लाइफ की हो या वो आपकी जिंदगी में कोई भी अहम एक भूमिका क्यों ना निभा रही हो, तो कुल मिला के आज के दिन आपका कार्मिक जो है वो कंप्लीट होगा। इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं आप, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर कुल मिला के डिवाइन के हिसाब से अगर आप चलें तो जितना हो सके न्यूट्रल रहें और एक्सेप्टेंस के मोड में आज के दिन आपको रहना बहुत जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 9 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपको अपने भीतर की जो फेमिनाइन एनर्जी यानी कि जो लव और कंपैशन की जो एनर्जी है आज आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे बैलेंस करने में आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आपके ईगो को आपको आज कंट्रोल रखना है, आज आपकी ईगो है वो उसको संभालना है जिससे कि आपका एंगर जो है वो आपका बचे। कहीं ना कहीं आपको क्लियर कहा जा रहा है कि गुस्सा नहीं करना है और जिसका मूल कारण जो है वो आपका अहंकार ही है, तो जितना हो सके आज लव कंपैशन के भाव में रहे, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करें, किसी को भी जज ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 9 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमें क्लियर कहा जा रहा है, कंपैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जितना ज़्यादा लव कंपैशन के भाव में रहेंगे, देखिए अभी मूलांक 7 के जातकों को भी यही गाइड किया जा रहा था, क्योंकि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हाई एनर्जी है, मदर एनर्जी है, और आपको क्लियर कहा जा रहा है कि लव कंपैशन के भाव में आज आपको रहना है, किसी को भी जज नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है।
तो हम उसकी वजह से किसी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते, बल्कि उसका काफी हद तक समय और परिस्थिति पर वो टिका हुआ होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की या पर्सनल लाइफ की, आपको कहाँ फोकस करना है? आपको फोकस करना है अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर, ना कि लोगों पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 9 अक्टूबर 2023 के लिए आज की तारीख भी है 9 और मूलांक भी है 9, और हमसे कहा जा रहा है काली का कार्ड है। क्या बात है, माँ काली की कृपा दृष्टि आपके ऊपर आज बनी हुई है। मूलांक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं देखो डिवाइन मदर एनर्जी की, आज मूलांक 9 देवियों की हमने बात की, तो आज मूलांक 9 के जातकों के लिए जो कार्ड आया है ये देवी की कृपा है आपके साथ, आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपकी कुल देवी की कृपा।